प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद जब साउथ इंडिया गए तो प्रभुपाद जो है वो वहाँ बंगला बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट की गई, आप या तो इंग्लिश बोले या आप यहाँ की लैंग्वेज बोले, नेटिव लैंग्वेज, आप यहाँ बंगला कोई नहीं समझ रहा। प्रभुपाद जी ने कहा भाषा का, भक्ति का प्रचार भाषा से नहीं हो सकता, भक्ति का प्रचार भक्ति से ही हो सकता है। कोई भी भाषा हो और अगर उस व्यक्ति के अंदर भक्ति है तो वो दोज वर्ड्स विल सर्टेनली टच योर हार्ट एंड एबिलिटी टू चेंज योर लाइफ एट एनी मोमेंट। किसी भी क्षण आपके जिंदगी को चेंज कर सकते हैं जिसके अंदर भक्ति है। कृष्णदास बाबा जी महाराज वो जब कीर्तन गाते हैं या तो संस्कृत में गाते हैं या टिपिकल बंगला कीर्तन, तो जब कृष्णदास बाबा जी महाराज ने देहरादून में कीर्तन गाया, पहले तो ये बोला गया कि बाबा जी की जगह किसी और को दो जिसकी भाषा हिंदी भाषा है, वो बोले तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे सब इस देहरादून में हिंदी भाषा समझने वाले हैं। पर जब बाबा जी ने कीर्तन गाया, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किसी को। बाबा जी महाराज संस्कृत में कीर्तन गाते थे, संस्कृत भाषा बड़ी डिफिकल्ट है, पर बाबा जी महाराज ने सबको रुला दिया। और अगले दिन जब बाबा जी महाराज को, और जो व्यक्ति था वहां पे पंजाब का, जो पहले कह रहा था कि हिंदी भाषी को देने से हमें समझ आएगा, तो वो क्या बोलता जब बाबा जी महाराज ने गाया, उसे समझ कुछ नहीं आया, सोना सोना सोना, मतलब इतना उसको दिल को अच्छा लगा कि इसने तो, मतलब कि ये जो शब्द है मेरे मेरे अंदर तक जा रहे थे। तो अगले दिन वही बोला गया, कोई गाए ना गाए बाबा जी गाएंगे। भक्ति का प्रचार भक्ति से होता है, भाषा से नहीं। महाराज जी के साथ प्रचार में रहते थे पहले, फिर कई साल से प्रचार में रहा नहीं, तो टेस्ट चेंज करने के लिए ना मैं महाराज जी को ऐसे ऑफर करता था, महाराज जी आपकी और मेरी हिंदी ना, भजन तो खैर महाराज जी का आम तो नीचे है, मैंने कहा हमारी हिंदी ना बड़ी क्लियर है, है ना, क्यों हम हिंदी भाषी हैं दोनों, तो मैंने कहा आप हिंदी में बोल गए, मैं हिंदी में नहीं बोलूँगा, मैंने कहा पंजाबी में बोलूँगा। तो पंजाब वाले मैं ऐसे पंजाबी बोलता था ना, वो ना सब ना ऐसे मिसगाइडेड से हो जाते थे, कहते आप कहाँ के हो, मैंने कहा मैं बद्रीनाथ का, हो ही नहीं सकता, तुसी पक्का तुसी भटिंडा दे ही हो, फिर दूसरा ओए नहीं नहीं ये अमृतसर दे, तीसरा ओए नहीं नहीं ये फिरोजपुर दी है, ऐसा पूरा। फिर ऐसा हुआ कि तब से मैं संकोच करने लग गया, यमुनानगर में हम थे, चारों दीदी का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे ना महाराज जी ऐसे कह रहे थे ये वाले प्रभु जी ना किसी भाषा में बोलते हैं, अब ये प्रभु जी हरियाणवी में बोलेंगे, मैंने कहा महाराज हरियाणवी में मत सुनो, हरियाणवी में तो भाई रिश्ते टूट जाते हैं। हमारी एक सिस्टर, उसका रिश्ता होना था किसी बहुत अच्छे लड़के से यहीं पे 20 में, वो हिमाचल के हैं, तो आजकल इंटर स्टेट मैरिजेज हो जाती हैं, इंटरकास्ट हो जाती हैं, स्टेट तो बहुत दूर की बात है। तो वो जिस लड़के से मैरिज होनी है वो लड़का हरियाणा का है, लड़का तो हिंदी बोलता है ना, पढ़ा लिखा है, पापा से बात होगी, मुझे बता रहे थे, कहते प्रभु जी लड़का बहुत अच्छा है, पर कहते जब पापा से बात हुई, कहते मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटी मैं तेरा बाप हूँ, मैं चाहता हूँ जब मैं तुझे मिलने आऊँ ना तो मैं तू तड़ाक ना सुनो। कहते क्यों, कहते मैंने फोन किया, जो ससुर है लड़के लड़की का, जो लड़के का पिता है, अरे ना मिले ना चले, ना शक्ल देखी तूने मेरी ना मैंने तेरी, अभी तो बात स्टार्ट होनी है। पहली लाइन में उसने बोला रखे हाल से तेरा। ओ भाई मैं यार, अब हिमाचली यार बेचारे कितने मतलब सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट, कितनी सॉफ्ट लैंग्वेज है हिमाचल की, है ना, वो पहली बात में तू तड़ाक हुआ। तो मैं उसको आप कर रहा हूँ, मैं कह जी मैं ठीक हूँ जी, हमारी लड़की जी थी बहुत अच्छी लड़की है जी, अरे मैंने पता है कैसी है।
अब सुनने में ऐसे लग रहा है कि वो ये कहना चाहता है बहुत ही बिगड़ी हुई है, पर वो ऐसा है नहीं, वो ये कहना चाहता, एक्चुअली लैंग्वेज थोड़ी लठ मार है, मतलब ऐसा कारण ये कि श्री कृष्ण जब ब्रज में आए तो ब्रज में प्रेम बांट के जब भगवान को थोड़ा युद्ध करना तो कुरुक्षेत्र में एंटर कर गए, तो हरियाणवी से बोलो यार तुम ऐसे बोलते क्यों यार, थोड़ा चेंज करो ये तू तड़ाक, कहते के करें भाई, स्टार्ट करके चले गए कृष्ण जी। और देखो भगवान कृष्ण वहां युद्ध करके गए ना, तो वहां वाइब्रेशन, अब ब्रज में चले जाओ, अब ब्रज में थोड़ी भगवान तो ये भाषा बोलते नहीं थे ब्रज जैसे हम बोल रहे हैं, पर ब्रज भाषा है। श्री चैतन्य महाप्रभु से आप उम्मीद करो कि वो हिंदी बोलें, महाप्रभु हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते, महाप्रभु बंगला बोलते हैं। हमारे गुरु जी कहते जब हम मायापुर परिक्रमा में जाते हैं, गुरु जी बोलते थोड़ा थोड़ा चावल खाना अच्छा है, ठीक है, क्यों, श्री चैतन्य महाप्रभु चावल खाते, थोड़ा अन्न खाने से अच्छा है, थोड़ा थोड़ा बंगला बोलना अच्छा है, श्री चैतन्य महाप्रभु बंगला बोलते थे, इसलिए बंगला तो खैर मिष्टी भाषा बड़ी मीठी है, और बिहारी तो बहुत ही मीठी है। बिहारी में तो झगड़ा जब होता है ना, आपको पता नहीं चलेगा झगड़ा हो रहा है, मजाक नहीं, वो तो बड़े एक्सट्रीम लेवल पे दोनों एकदम आ जाए ना तो भी ऐसी बात होती है, हम बता दिए, हम बता रहे हैं, बस हम बता दिए, अब आगे हम बोलेंगे नहीं, अब बस यही चलता है उनका। उसके बाद बेशक वो एक दूसरे को मार दे, पर एक्सट्रीम लेवल में ये है, ऐसी भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है भाषा, बड़ी मीठी भी हो सकती है भाषा, समझ भी आ सकती है भाषा, समझ में भी नहीं आ सकती है, पर जो भक्ति की भाषा है वो भक्ति की भाषा सीखने के लिए भक्ति जिनके पास है उनके पास शरणागत होना पड़ेगा। भक्ति की भाषा क्या है, भक्ति की भाषा परम गुरु जी ने, लास्ट में एक लाइन में बता दूंगा, भक्ति की भाषा परम गुरु जी ने मौलवी को बताई, बड़ा लंबा प्रसंग है, जब मौलवी ने परम गुरु जी को टोक दिया, आप बुत परस्तवादी का प्रचार कर रहे हो, जो मूर्ति में प्राण नहीं है पत्थरों की मूर्ति को आप पूजा करना बता रहे हो, पर परम गुरु जी का अपना एक तरीका था, परम गुरु जी ने कहा मौलवी साहब ये जो आपके हाथ में किताब है ये क्या है, कहते कुरान है, तो इसमें कहते क्या लिखा हुआ है, कहते इसमें कुरान लिखा है, पर मुझे तो दिख नहीं रहा इसमें कुरान लिखा हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज आपको पता है कैसी होती है, अलिफ बे 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 ऐसे जो होते हैं कट कट पड़े होते हैं ना लकीरों के, परम गुरु जी कहते मुझे ऐसे लगता है चिड़िया शाही पे बैठी और तुम्हारी इस किताब के ऊपर बैठ चुकी है। नहीं नहीं महाराज, आपको उर्दू आती है, आपको अरबी आती है, कहते नहीं हमें तो आती नहीं, ये कहते उर्दू में ऐसे लिखा हुआ है कुरान शरीफ, आप उर्दू सीखे तो आपको पता चलेगा कि ये चिड़िया नहीं बैठी इस पे, ये आप पहले भाषा का ज्ञान लें, भाषा का आप ज्ञान लें आपको पता चलेगा। परम गुरु जी कहते मौलवी साहब मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, आप पहले सीधा आप कैसे बोल सकते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है बिना भक्ति का ज्ञान लिए, बिना भक्ति की भाषा को जाने हुए, तो भक्ति की भाषा होती है अपनी एक, वो भाषा कहाँ पर सीखेंगे, कॉलेजेस में स्कूल्स में टीचर्स में, ये भाषा कोई नहीं सिखा सकता, ये भाषा वो सिखा सकता है जिसको ये भाषा आती है, ये भाषा किसको आती है, गुरु वैष्णवों को। दूसरी